हेलो गाइस, आप देख रहे हैं टेक्निकल शांतनु चैनल। आज हम बात करेंगे, आप जब कभी विंडोज़ को विंडोज़ 7 से या विंडोज़ 10 से विंडोज़ 10 अपडेट असिस्टेंट से अपडेट करते हैं, उस टाइम पे फाइल तो कहीं पे ना कहीं पे रह जाता है। पहले ढूंढ लीजिए, जैसे कि सी ड्राइव में एस, विंडोज़ डब्ल्यू एस, ऐसे कोई फोल्डर में रह जा सकता है। अगर नहीं रहा है तो दूसरा कहीं पर तो है, तो आप डायरेक्ट उसे सर्च कर सकते डॉट ESD फाइल। तो उसके बाद जब अब मिल जाएगा तो इसको अब डायरेक्ट ISO फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डेस्कटॉप पे मैं इस फाइल को दिखा रहा हूँ। यहाँ 3 GB के आसपास ये फाइल का साइज़ है, मतलब जो विंडोज़ डाउनलोड होता है वही विंडोज़ ओरिजिनल एकदम जेन्युइन वर्सन है। तो इसे आपको कन्वर्ट करके लेना है, तो इसीलिए DISM++ करके एक सॉफ्टवेयर है जिसे मैंने डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लिया और इसे भी इंस्टॉल करूँगा। इसे इंस्टॉल करने के बाद, जैसे कि मेरा 64-bit का विंडोज़ है, तो इसे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल हो जाएगा। तो सिंपली इसे एक्सेप्ट कर देना है, तो अब ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा, तो कहीं पे नहीं जाके सीधा ऊपर में जो फाइल मेनू है, फाइल मेनू पे जाइए। जैसे कि यहाँ पे फाइल मेनू पे थोड़ा सा नीचे देखिएगा कि ESD से ISO फाइल फॉर्मेट की जो कॉन्वर्शन ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो ESD ISO फाइल में क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन मिल जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दो ऑप्शन मांग रहा है, एक फाइल को सिलेक्ट कर रहा है, एक फाइल को सिलेक्ट करने को बोल रहा है। जैसे कि आप ये .esd विंडोज जो अपडेटेड फाइल है जो डाउनलोड किया हुआ उसे सिलेक्ट करना है पहले, तभी तो कन्वर्ट होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया इस फाइल को। अब दूसरा वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है, जैसे कि आप इस ISO फाइल फॉर्मेट में ये कन्वर्ट करेगा और कहाँ पे सेव करेगा, इसीलिए आपको फाइल का नाम सेव करना है। यहाँ पे जैसे कि मैं टाइप कर रहा हूँ Windows 10 1909, जैसे कि ये विंडोज़ का लेटेस्ट वर्जन है, तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहा हूँ। तो उसके बाद इसे फिनिश पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे देख सकते हैं ये कन्वर्ट स्टार्ट हो गया। कोई भी विंडोज़ में आपका कोई किल जैसा व कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कोई परमिशन मांगे तो उसे यस कर देना है। और ये लगभग आपका 5 से 10 मिनट में टोटली कन्वर्ट कर देगा। वो आपका कंप्यूटर का स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, उसके बाद ये देखिए आप कन्वर्ट ऑलरेडी हो गया। तब तक लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली मेरा फाइल कन्वर्ट हो गया। तो अब इस फाइल को मैं बूट करके किसी भी पेन ड्राइव या DVD में बूट करके इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ, क्लीन इंस्टॉल। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑन कर लिया, अब यहाँ पे देख सकते विंडोज़ की सेटअप वेटअप सब दिखा रहा है। तो इसे सिंपली मैं ओपन विद विंडोज़ एक्सप्लोरर से ओपन करूँगा ताकि इसे रन कर सकता हो। यहाँ पे देख सकते हैं विंडोज़ की सेटअप भी शो हो रहा है, कंप्यूटर माइक दिस PC से यहाँ पे भी ड्राइव की यहाँ पे देखा रहा हूँ DVD फाइल एज ए ड्राइव, ISO फाइल ऐसे ही ओपन होता है। तो डायरेक्ट इसे मैं क्लिक कर दिया जैसे कि सेटअप में, और ये रन भी हो जाएगा। टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे पीपर हो रहा है कि विंडोज़ लोड होगा कि इसीलिए, तो विंडोज़ विज़ार्ड भी ओपन हो गया। तो इसी तरह आप इस फाइल को अब किसी भी पेन ड्राइव में डाल के बूट कर सकते हैं, इसे बूट करा सकते हैं, मतलब एकदम ओरिजिनल विंडोज़ आपके पास मिल गया। और इसको जब चाहे आप, मतलब जब मन करे आप इसे से ही आपका विंडोज़ को फॉर्मेट कर सकते हैं, आपको और कुछ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे ही मैंने विंडोज़ ESC फाइल को विंडोज़ ISO बूट फाइल में कन्वर्ट कर लिया। तो
तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को एक बार प्रेस कर दीजिएगा।